Hey guys, welcome and welcome back to my channel. Guys, कैसे आप सब? आज की वीडियो में होने वाली है एक रिव्यू वीडियो, और रिव्यू करने वाली हूँ आज जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो होने वाली है ये लिपस्टिक्स. ये है न्यूली लॉन्च लिपस्टिक्स बाय नायका कॉस्मेटिक्स. नायका ने लॉन्च की है नायका ऑल डे मैट लिपस्टिक्स, जिसमें इन्होंने टोटल 10 शेड्स निकाले हैं. लेकिन मेरे पास आज दो शेड है जिसके बारे में मैं बात करूंगी, और इनका फॉर्मूला कैसा है, प्राइस, और मुझे कैसा लगा, मैं रिकमेंड करूंगी या नहीं करूंगी, सब कुछ हम इसके बारे में आज बात करेंगे. और मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसके ऊपर पैसे खर्चने चाहिए कि आप इसको लेना, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आउटर पैकेजिंग की, जो कि कुछ इसी तरह की आती है. आप देख सकते हो इसका कोई भी कार्डबोर्ड पैकेजिंग आपको नहीं मिलेगी. इसमें आपको ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग वाला जो होता है ना, खाली वो ही मिलेगा, उसमें रैप हो कराएगी ये. और इसका प्राइस है 349 रुपीज, और इसका नाम दिया है नायका ऑल डे मैट. सबसे फर्स्ट शेड जो गाइस मैंने इसमें ऑर्डर किया था ये है ग्रैंड फैन, और सेकेंड शेड जो मैंने ऑर्डर किया था वो है बॉस बेब. फर्स्ट वाला शेड जो है आप देख सकते हो काफी न्यूडिश मॉव पिंकी शेड मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि लाइटेस्ट शेड किस तरह से वर्क करता है इसका और डार्केस्ट शेड कैसे वर्क करता है. इसलिए मैंने दो बिल्कुल ही अपोजिट शेड मंगाए. और ये वाला जो शेड है ना इसका ग्रैंड फैन, ये फेयर स्किन टोन के लिए काफी अच्छा है. और ये वाला वैसे तो सभी स्किन टोन पे चल जाएगा, लेकिन अगर आप मीडियम टू यू नो डस्की स्किन टोन की है तो आप इस तरह का शेड जरूर ट्राई कर सकते हो. अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो क्वांटिटी है वो कितना है, 2.1 ml इसका क्वांटिटी आपको मिलेगा, ठीक है. और अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर से जो इसका एप्लीकेटर है वो किस तरह का आपको मिलेगा. कुछ इस तरह का फ्लैट वाला 2 foot एप्लीकेटर आपको ये मिलेगा. काफी सॉफ्ट है, काफी फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से जो लिपस्टिक है लगाने में काफी ज्यादा ईजी हो जाती है. इसका फॉर्मूला जो है गाइस काफी क्रीमी और थोड़ा सा मूसी टेक्सचर जैसा है, और वन स्ट्रोक में आपको पूरा शेड जो है एक ही बार आपको निकालना है इसके अंदर से, और पूरा लिपस्टिक जो है ना आप एक ही बार में लगा सकते हो. और लगाने में आपको दिखा देती हूँ, इसका जो कलर पिगमेंटेशन है वन स्ट्रोक में ही आपको पूरा पिगमेंटेशन मिलेगा. पिगमेंटेशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं. तो ये वाला इसका शेड है ग्रैंड फैन, और सेकेंड शेड जो मैंने इसका मंगाया है बॉस बेब, उसका भी मैं आपको हैंड स्वॉच एक दिखा देती हूँ. तो दिस इज द शेड गाइज, ये है ग्रैंड फैन. इट्स अ वेरी बेरी एंड मरूनिश काइंड ऑफ शेड, मतलब रेड और मरूनिश कैटेगरी में ये आ जाता है. मुझे शेड काफी ज्यादा अच्छा लगा है. लगाए हुए शेड्स दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं. तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसका फॉर्मूला कैसा है. तो गाइस फॉर्मूला जो इसका है ना, लगाने के टाइम पे तो आपको बिल्कुल वन स्ट्रोक में ही एप्लीकेशन में ही आपको पूरा कलर मिलेगा लिप्स के ऊपर, ठीक है. और लगाने के 30-40 सेकेंड्स के बाद ये ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ड्राई होती है ना आपको फील होने लग जाता है कि आपके लिप्स के ऊपर कुछ हैवीनेस फील होने लग जाती है, मतलब कि ड्राइनेस होनी स्टार्ट हो जाती है लिप्स के ऊपर. लेकिन विद इन मुझे मैं कह सकती हूँ 10 मिनट्स के बाद, आई डोंट नो इसके अंदर क्या ऐसी चीज उन्होंने डाली हुई है कि 10 मिनट्स के बाद ना आपके लिप्स के ऊपर ये फील होनी बिल्कुल बंद हो जाएगी. आपको याद ही भूल जाएगा कि आपने लिप्स के ऊपर कोई भी लिपस्टिक लगा रखी है. यस, ये एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी. लिप्स के ऊपर बहुत कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है. लेकिन अगर मैं स्टे की बात करूं तो गाइस स्टे इनका बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब हार्डली 4 घंटे या मैक्स 5 घंटे आपके लिप्स पे रहेगी. उसके बाद ही हल्की सी सेंटर से फेड होनी स्टार्ट हो जाती है. और अगर आपने कोई भी ऑयली या फिर यू नो आप, अब ये तो है नहीं कि आप कुछ भी पियोगे नहीं, खाओगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं. अगर आप खाओगे पियोगे तो ऑब्वियसली ये निकलेगी ही, क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, और ऑयली फूड से तो ये डेफिनेटली निकलेगी. लेकिन अगर आप यू नो सिर्फ कुछ पी रहे हो, पानी वानी पी रहे हो, तो ये लिप्स से बिल्कुल हिलती नहीं है. गाइज ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है और ट्रांसफर प्रूफ भी है बिल्कुल भी. आप ये किस प्रूफ लिपस्टिक है, आपको आप किस करेंगे या फिर टच करेंगे, पानी पियेंगे कप से या चाय पियेंगे, आपके कप पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी. और एक चीज मैं आपको वन स्ट्रोक एप्लीकेशन के साथ एक चीज और कहना चाहती हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा कि इसका एक ही बार निकालें और उसको ही पूरे लिप्स के ऊपर लगा लें. अगर आप इसकी सेकेंड थर्ड लेयर लगाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है थोड़ी सी क्रम्बल करे, हो सकता है आपको लिप्स के ऊपर ज्यादा हैवीनेस फील हो. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसका वन स्ट्रोक ही लगाएं और उसी में अपनी लिपस्टिक को पूरा कंप्लीट कर लें. और इसमें गाइस आपको टोटल 10 शेड्स मिल जाएंगे, न्यूड्स, पिंक्स, बेरीज, रेड्स, और सभी स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है इन्होंने इसमें शेड्स निकाले हैं. मे बी फ्यूचर में थोड़े से और शेड्स निकालेंगे, आई डोंट नो. लेकिन जितने भी शेड्स इन्होंने निकाले हैं काफी ज्यादा अच्छे हैं. आई होप इसमें कुछ ब्राउन कलर भी इन्होंने ऐड किए होते हैं. ब्राउन कलर मुझे लगता है ब्राउन या ब्राउन न्यूड जिसमें थोड़े से मिसिंग लगे मुझे, अदरवाइज शेड जो रेंज है वो काफी ज्यादा अच्छा है. तो चलिए अब आप देख लीजिए इन दोनों के स्वॉचेस. मैंने आज जो स्वॉचेस दिखाऊंगी आपको, मैं वो एक विदाउट मेकअप और विद मेकअप दोनों ही दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो सके कि ये विद मेकअप और विदाउट मेकअप कैसी लगेगी. तो चलिए फटाफट से देख लीजिए इनके स्वॉचेस.
गाइस अब आ रही आती है मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या आप इसको रिकमेंड करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस के हिसाब से भी अगर मैं देखूं 349 रुपीस की इसका प्राइस है, लेकिन 349 में भी उतना ऐसा क्वालिटी नहीं है कि जैसे उम फैक्टर होता है कि यार कुछ डिफरेंट मिला है, कुछ अलग है, कुछ नया है। नायका जैसे बड़े ब्रांड से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नया लेकर आए, कुछ कुछ डिफरेंट फॉर्मूला मिले हम लोगों को, कुछ बेटर चीज़ मिले, कुछ बेटर क्वालिटी मिले या कुछ नई चीज़ मिले, ऐसा इनमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही लिक्विड लिपस्टिक्स हैं जैसे कि हम ऑलरेडी एक साल पहले, दो साल पहले ट्राई कर चुके हुए हैं। शेड वाइज भी अगर मैं देखूँ तो शेड्स में भी कुछ ऐसे न्यू वेरिएशंस मुझे नहीं नजर आई कि कुछ डिफरेंट शेड्स निकाले हों या फिर कुछ नया कोई चीज़ शेड रेंज में निकाला हो। पैकेजिंग में भी अगर मैं देखूँ तो वेरी बेसिक पैकेजिंग, सी थ्रू है। एक यही एक इसका प्लस पॉइंट है कि आप देख सकते हो कि कौन सा शेड आपको चूज करना है, कौन सा नहीं करना है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही बेसिक सी इसकी पैकेजिंग है, प्लास्टिक की इसकी पैकेजिंग है, और मुझे मतलब पैकेजिंग वाइज भी ओके लगी है और क्वालिटी वाइज भी जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लिक्विड लिपस्टिक ही लगी है मुझे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी इसी रेंज में कोई और शेड कभी पिक करूंगी। और मुझे लगता है कि इफ़ यू आर अ लिक्विड लिपस्टिक पर्सन और अगर आपको लग रहा है कि 349 रुपीज आपके बिल्कुल बजट में है, आपको बहुत अफोर्डेबल लग रही है, तो आप इसका एक शेड ट्राई करके देख सकते हो अगर आपको बहुत मन है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी फेड अप हो चुके हो लिक्विड लिपस्टिक से, आपको कुछ नया ट्राई करना है, तो मैं आपको बोलूंगी आप इनको मत ट्राई कीजिएगा। कुछ भी ऐसा कुछ नया इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो या गाइज, ये तो था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू नायका ऑल डे मैट लिपस्टिक्स के लिए। और अदरवाइज बाकी आपका चॉइस है, आपका मर्जी है, आपको अगर लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। ये मेरा पर्सनल रिव्यू था और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू था। तो या गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।